नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। महासमुंद जिले के अंतर्गत विकासखंड बसना के वनांचल ग्राम केलवार डबरी के नवीन प्राथमिक शाला में शिक्षकों की लंबी अनुपस्थिति पर ग्राम के कोटवार एवं समाज सेवी आनंद राम चौहान के द्वारा बच्चों को पढ़ाया एवं मध्याह्न भोजन करवाया जा रहा था। समाज सेवी आनंद राम चौहान ने देखा कि नवीन प्राथमिक शाला के बच्चे शिक्षकों की अनुपस्थिति के कारण पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने नवीन प्राथमिक शाला केलवार डबरी के बच्चों को अध्यापन कार्य करवा रहे थे। गौरतलब हो कि छत्तीसगढ़ प्रांत के प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक विगत 11 दिसंबर से अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे। शिक्षक शिक्षिकाओं के लंबे समय तक आंदोलन में रहने के कारण बच्चों की पढ़ाई काफी ज्यादा प्रभावित हो रही थी, इसलिए ग्राम के कोटवार आनंद राम ने प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाने में एवं उनके मध्याह्न भोजन खिलाने में अपना समय देने लगे। गौरतलब हो कि नवीन प्राथमिक शाला के शिक्षक विगत 11 दिसंबर से केलवार डबरी के विद्यालय नहीं आ रहे थे, इसलिए बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा आनंद राम चौहान ने उठाया था। याद रहे कि आनंद राम चौहान ग्राम के कोटवार होने के साथ ही साथ एक समाज सेवक भी हैं। विगत सन 2012 में जब प्रदेश के सभी शिक्षक लगातार 38 दिनों तक हड़ताल पर थे, उस समय भी ग्राम के कोटवार आनंद राम चौहान द्वारा बच्चों को पढ़ाई करवा रहे थे, जिसके कारण उन्हें राज्य शासन के द्वारा राज्य स्तर पर सम्मानित भी किया गया है। नवीन प्राथमिक शाला केलवार डबरी में शिक्षकों के हड़ताल पर जाने से ग्राम कोटवार आनंद राम चौहान बच्चों को पढ़ा रहे थे तथा रसोईया प्रेम कुमारी यादव एवं फिरवाई चौहान द्वारा बच्चों को मध्याह्न भोजन दिया जा रहा था तथा सफाईकर्मी स्वीपर राधिका बंछोर भी विद्यालय में नियमित उपस्थिति दे रही थी। केलवार डबरी के कोटवार एवं समाजसेवी आनंद राम चौहान के समाजसेवी भावना से ग्रामीण जन काफी ज्यादा प्रभावित हैं तथा अंचल में इस कार्य की काफी प्रशंसा की जा रही है।